बाय नैनीताल, हम चल रहे हैं भवाली। I'm at Meals on Wheels। ये भीमताल वाले रास्ते में जाने से पहले ना रास्ते में कार्ट है और इनका खाना बहुत अल्टीमेट होता है भाई। आज यहाँ खा के जाएंगे। मुझे किसी ने बताया था, मैं तो खुद पहली बार आ रहा हूँ, मुझे किसी ने बताया था इनका खाना बहुत अच्छा है। अभी मैंने बस ऑर्डर किया है एक पराठा आलू प्याज का विद कर्ड। नाउ लेट्स सी कैसा होता है। तो गाइस हमारा पराठा आ गया है, भैया ने पैक कर दिया था अंदर मक्खन वक्खन डाल के है। और साथ में हमने ली है कर्ड। तो चलो मैं तब तक एंजॉय करता हूँ, आपसे मिलता हूँ। देखो सामने बोर्ड पे कितनी सही बात लिखी है, कृपया वन क्षेत्र में कुछ ना फेंके, धन्यवाद। आपके पास सबका कचरा होता है, आप कुछ भी खाते हैं। जैसे मैंने अभी अभी पराठा खाया है तो मैंने क्या किया है कि थैला बना लिया है, अब मैं जो भी खाता हूँ मैं इसमें डाल देता हूँ और इसको ले जाके फेंकेंगे डंप यार्ड में या जहाँ पे हमें दिखेगा कचरा वचरा पड़ा हुआ है सारा। पेट्रोल हमने डला लिया है यार, बस अब यहाँ से निकलते हैं वापस टू कैंची धाम, देन कैंची धाम मत्था टेक के हम निकलेंगे भीमताल के लिए। सो राइट नाउ आई एम हैविंग चाय एट टपरी नियर कैंची धाम। भाई यहाँ तो बारिश होने लग गई, मन कर गया चाय का। जैसी बारिश होती है तो अपन मन पीते चाय 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 चाय। इसके बाद निकलेंगे हम कैंची धाम। आई होप पार्किंग मिल जाए यार वहाँ पे, क्योंकि पार्किंग का बड़ा लोचा है भाई, बड़ा लोचा है। ये अपनी चाय आ गई है टपरी से, देख लो लग तो सही रही है, पी के देखते हैं। ला काली मिर्च डाल दी क्या भाई, कड़क है। तो भाई हमारा पार्किंग वाला ये कह रहा है, पता नहीं आप लेके जा सकते हो या नहीं कैमरा अंदर कैंची धाम आश्रम में, पर मैंने तो बाबा का नाम लिया और मैंने कहा चल भाई उठा ले इसे और चल वहीं देखेंगे, अगर लेके जाने दिया तो ठीक है, नहीं लेके जाने दिया तो फिर इसको वहीं पे किसी को धर देंगे भाई पकड़ के। ठीक है तो आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में अंदर वहीं पे। जय महाराज जी, आइए चलते हैं अंदर महाराज जी के दर्शन करने। ये है एंट्रेंस यहाँ की और पर सांसु एम बजरंग बली बैठे हैं बोले। तो आई एम लीविंग टू भीमताल और
थकान हो गई है, अच्छी वाली बढ़िया वाली भाई एनर्जी आ गई। बाबा के चरणों में बैठ गए जाके, बाबा कहते टिक जा थोड़ी देर, फिर मैं टिका रहा। अब जा रहा हूँ पार्किंग की तरफ, बस फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद भीमताल की रोड पे वापस। कैंची धाम में कब से हैं? बहुत बरसों हो गए आपको, बहुत साल हो गए। अच्छा बरसों हो गए। तो आप यहाँ पे मतलब आपका खाना पीना ये वो कैसे होता है? बस मिल जाता है यहाँ खाना पीना रहना। तो कहाँ बाबा का लंगर होता है वहाँ पे? हाँ होता है। और आप रहते कहाँ, आश्रम में रहते हैं या फिर बाहर कहीं? नहीं बस ऐसा थोड़ा में कपड़ा दे देते हैं बाबा लोगों को। अच्छा तो हो गए आपको कई साल हो गए मतलब यहाँ पे? कई साल हो गए। चलो बूढ़े हो गए बाबा लोग। अच्छा उससे पहले क्या करते थे आप? बस हम लोग नाथ लोग समझ गया। तो अभी तो कुंभ लगेगा आपको काफी समय बाद लगेगा। अच्छा अरे वाह जी वाह, कमाल है, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा लगा बाबा आपसे मिलके। कोई बात नहीं, कोई नहीं, हमारे राजा। मैं राजा नहीं, मैं तो भिखारी हूँ, सबसे बड़ा भिखारी हूँ मैं राजा रुजा नहीं हूँ, राजा तो वो बैठे हैं वहाँ पे। अगर वो तो है ही, वो बैठे राजा तो वो तो है ही। चलो बाबा आपसे मिलके अच्छा लगा, मुझे भीमताल जाना है, बहुत दूर जाना है। अच्छा सर अब मैं यहाँ से निकलता हूँ। हाँ। आपका आशीर्वाद मिल गया। बिल्कुल। कैंची धाम से मैं निकल गया था और अंदर आपको पता है कैमरा अलाउड नहीं होता, कुछ भी अलाउड नहीं होता, तो सब कुछ पाउच में था मेरे। यार आप भी सोच रहे होंगे कभी कहीं जाता है कभी कहीं जा रहा है, पर समझ ही नहीं आ रहा। मैं ना खुद भोरा गया हूँ इस टाइम, तो समझ मुझे खुद नहीं आ रहा, बस जाया जा रहा हूँ। अब आपको जैसे मैंने पहले पर बताया था ना, कैंची धाम के बाद भीमताल निकलूँगा, तो मैं भीमताल ही जा रहा हूँ अब। भाई कॉमेडी हो रही है आज तो अपने साथ। कैंची धाम के तीन चक्कर लगाए तब जाके पार्किंग मिली है भाई, वहां पे बहुत भीड़ होती है भाई मंगलवार को। यार व्लॉग बनाने में बड़ी मेहनत लगती है भाई, गॉड लग जाती है अच्छी वाली, आसान नहीं लगता बाकी में ये काम बिल्कुल। मुझे पहले लगता था पर अब नहीं लगता जब मैं खुद कर रहा हूँ ना। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि भाई वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो यार, बड़ी मेहनत लगती है भाई, प्लीज कर लो। माता रानी की सौगंध तुम्हें भाई, कर लो अब तो कर लो। ओवर एक्टिंग हो गई भाई। तो चलो अब चलते हैं भीमताल, ढूंढेंगे होटल वहां पे पहुंच के, बुकिंग नहीं कराई ना आज भी। तो भीमताल जाते वक्त रास्ते में पड़ा मैगी वाला और टपरी वाले को बोला भाई बना दे बढ़िया सी मैगी, और ये पहाड़ों वाली मैगी। अब पहाड़ों वाली मैगी किसको पसंद नहीं, मैं हाथ जल रहा है खा ले जल्दी जल्दी से। सो फाइनली वी आर एट भीमताल। मार्केट है देखो आप। ओ भाई भाई देखा आपने अभी मिरर बजा दूसरी गाड़ी में, क्या करें यार, निक्की सी सड़क है उस पे दो दो तीन तीन गाड़ियां, फिर लोगों ने पार्क भी करी हुई है अपनी। अब ठीक है क्या कह सकते हैं, टूरिस्ट इतने आएंगे तो यही होगा ना, उनको भी क्या दोष दे यार। बस सोऊंगा, अब हालत नहीं है, रात को बस अब खाना खाएंगे और चित हो जाएंगे, क्योंकि यार सुबह से कभी कैंची धाम गए, फिर उससे पहले नैनीताल, और अब हमने स्टॉप किया यहाँ पे भीमताल में। काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, मैं आपको मॉर्निंग में दिखाऊंगा, अभी हिम्मत नहीं है यार, घुटनों के ना ग्रीस ख़त्म है, सुबह भरेंगे ग्रीस दोबारा। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। यू गाइस टेक very good care of yourself and your family, and please do subscribe to my channel Life with Girish. please kar do. Good night.